हमारे बीच में जो अति विशिष्ट अतिथि है, जो हमारे राजस्थान के भी बाहर किसी स्टेट के मेहमान है, समाज के बहुत ही नहीं मेहमान, वो भी हमारे बीच में बधार गए हैं। पीएम सैनी साहब, श्रीमान उमेश जी, अंबेदास जी कनेड़ी, यूथ प्रदेश महासचिव महाराष्ट्र, श्रीमान अजय सिंह जी टाक, डायरेक्टर एफसीआई उपभोक्ता मामला, खाद एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार भी हमारे बीच में पधार गए। मैं मंच में निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा आप और अतिथि लोग जो आ रहे हैं मुख्य द्वार पर, जो छेगांव के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन है कि आप और शिवराम जी उनको मुख्य अतिथि जो आ रहे हैं उनको साथ लेके आए, फिर हम झंडारोहण की रस्म करेंगे। मैं सामने जो पंडाल में जब वरवधु चेयर पे विराजमान हो रही है उसके सामने महिला लोगों को जगह दे, पुरुष लोग वहां से या साथी से निवेदन है कि साइड के पंडाल में विराजमान कराएं। नवयुवक मंडल से निवेदन है जितने भी जो पुरुष महिलाओं में है उनको हाथ जोड़ के निवेदन करके जो भी खड़े हैं पंडाल पुरुष पंडाल के अंदर विराजमान करावे, महिलाओं को जगह दे, जो वधु और वर के साथ जो महिलाएं आई हुई है उनको बैठने की जगह दे। अभी आप देखना वर वधु का एक वरमाला का प्रोग्राम अद्भुत और आश्चर्यचकित शानदार मनमोहक यादगार इन वर वधु की वो पल जो काफी दिनों से आज थी। समिति के लोग इनके लिए पलक पावड़े बिछा करके समाज के लोग ये व्यवस्था की, अभी आपको देखने को बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपसे मेरा सिर्फ अनुरोध है आप वरमाला के स्थाई भी हो, मंच पे पधारे गोविंद जी सोनी, मंच के सामने जो खड़े लोग उनको बैठाए, वर वधु के सामने जो महिलाएं हैं वो विराजमान हो, ये आगे से जो है बैठ गई हैं, आगे और बैठते जाएं। नवयुवक मंडल से विशेष आपकी व्यवस्था बहुत भारी है, आप लगन वाले हैं, पुरुषों को और युवाओं को हाथ जोड़ के महिलाओं से थोड़ा सा आप जगह देखने के लिए हम बहुत ही काफी दिनों से आशा कर रहे थे। वर वधु को चेयर पे जाने के लिए मार्ग देवे, रास्ता देवे, उनके नंबर के हिसाब से हमको चेयर पे बैठावे, और नवयुवक मंडल से और हमारी जो महिला मंडल है उनसे निवेदन है कि आप ये बैठने के बाद में इनके सामने पुष्प की पंखड़ियां और वर माला खड़े करें, वर वधु के सामने उनको बैठाए, स्नान ग्रहण करें, मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद में वरमाला का प्रोग्राम होगा। नवयुवक मंडल से यह मेरा विशेष आग्रह, इस बात को आप मद्देनजर रखें। अरे वीर राजा आप निशान में जाओ भाई, आप जितने भी खड़े हो बैठ जाए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नवयुवक मंडल के पदाधिकारी हाथ जोड़ के सेवाराम जी जहाँ कहेंगे मंच में बधा रहे, झंडारोहण का प्रोग्राम है, आप उस रस्म को पूरा करने के लिए मंच में बधा रहे। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि पधार गए हैं, जिसे हमारे मकरा के परमेश्वर के अध्यक्ष और हमारे बामाशाह जहाँ कहीं भी हो मंच में पधारे। जी मंच में पधारे, भाऊ जी के साथ में, अजय सिंह जी बेटे के साथ में, अमरेंद्र जी के साथ ये बेटे ना, हाँ ठीक है, मंच में पधारे शिवराम जी, मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि बाबा शाह और हमारे जो भी समाज के कर्णधार है, कोई भी हमारे बीच में किसी भी वर वधु के साथ या बटिन जाओ अभी साइड में बोलिए गणेश जी महाराज की। हमारे आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भाई साहब के नाम से राज्यसभा सांसद हमारे बीच में विराजमान है,
व्यक्ति अपना समय निकाल करके समाज को देते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो अपने मुखार बंद से समाज को संबोधन करें। मैं बाद में करूँ पाचो फोन, बाद में करूँ, बाद में थोड़े है ना माला थोड़े काम जरूरी है। इनका घर मारा को नहीं और दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय दिलबाज सिंह जी सैनी हमारे बीच में है, जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करेंगे, एक बार नारा भी लगा देंगे, महात्मा ज्योतिराव फूले, संत लक्ष्मीदास जी महाराज की। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ आप सबकी ओर से, क्योंकि आप समय समय पर समाज सुधार के कार्यक्रम, समाज को मजबूती देने के कार्यक्रम, शिक्षा के क्षेत्र में हमें हमेशा सहयोग करते रहे हैं। इसलिए आज एक अच्छा अवसर है कि मोती बाबा की हमारे बीच में आ गए हैं। मोती बाबा का भी मैं स्वागत करता हूँ आप सबका, देवाराम जी, ओम जी और आपके समिति के अध्यक्ष पदाधिकारी और सारे हमारे भामाशाह और हमारे सारे गणमान्य जो हमारे बुजुर्ग यहाँ उपस्थित है, उन सबका स्वागत अभिनंदन और एक बार दिलबाग सिंह जी का और जोरदार स्वागत हम सब कर रहे हैं। हमारे ताली बजा के स्वागत करिए। मैं सेवाराम जी भाषा से निवेदन करूंगा, आप मुख्यमंत्री को साथ लेकर आए हुए अतिथियों को साथ लेकर झंडारोहण कराए, जिससे हम भरमाला का आए अतिथियों का स्वागत कर सके। मुख्य अतिथि के सानिध्य में झंडारोहण कराइए सेवाराम जी, सती साहब और समिति के हमारे संरक्षक ओम जी, अध्यक्ष भवनलाल जी, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके दिल से आपके पलक बिछा करके आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये समाज का मेला है, किसी एक का नहीं है, आप अपने दूल्हे और दुल्हन का वो एक नज़ारा देखने के लिए आतुर हो, परंतु आप विराजमान होंगे, तालियां बजाएंगे तो इस प्रोग्राम का आनंद आएगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पंडाल में जो भी व्यक्ति खड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के झोली फैला करके निवेदन करता हूँ, आप हमारा सहयोग कीजिए, धरती पे विराजमान होकर के, पंडाल में विराजमान होकर के हमारे इस एक अनोखे प्रोग्राम वर वधु की जिंदगी जो वरमाला से शुरुआत होती है, उस झलक को पाने के लिए काफी दिनों से आप और इनके परिवार लालच है, आज वो पल और वो झलक आपकी आशा हमारे छोटी बाबा की धरती पर हमारे लक्ष्मीदास जी के आशीर्वाद से, सावित्री बाई के आशीर्वाद से। Yeah!
सेवा करने के लिए मोदी बाबा सांगला जिनको कौन नहीं जानते हैं, ये आज हमारे बीच में विराजमान है मोदी बाबा सांगला। चित्र जी भावर के हो 200 रुपया कन्यादान में बहुत बहुत हार्दिक